जाफर मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा का खास कार्यक्रम खास मुलाकात का सफ़रनामा। ऐसे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जैन जी, जिनसे बातचीत कराएंगे आपकी और बताएंगे कि गुड़गांव आज पहुँचे, प्रेस वार्ता की है, किस तरह के मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है और आगामी उनके विचार क्या हैं, आगामी योजनाएं क्या हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब। आज आप पहुंचे हैं गुरुग्राम, किस बात को लेकर यहाँ चर्चा की, प्रेस वार्ता की? 23 अप्रैल का भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है रोहतक प्रावर में, और आज गुरुग्राम वालों को न्योता देने के लिए आए थे। 36 बिरादरी का भाईचारे के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इसमें भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी और वहाँ पर जो 36 बिरादरी के भाईचारा प्रसादारी वहाँ पहुँचेंगे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी और देसी घी का प्रसाद वितरित कराया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर एक शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जो शासन प्रशासन से जिनको भी शिकायत है, किसी भी तरह की शिकायत है, उनकी शिकायत भी सुनी जाएगी। जो शिकायत पेटिका की आपने बात की, शिकायत उसमें आएंगी, उनका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा? निपटारा मैं अपने आप करवा लिया रहा हूँ भाई साहब, निपटारा पहले भी बहुत करवाए हैं, तो वहाँ जो शिकायत लेकर आएंगे उनकी शिकायत को बाद में निकाल के देखी जाएगी और फिर सरकार के सामने रखी जाएंगी, समाधान करवाओगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। भगवान परशुराम जो है न्याय के देवता थे और हमारा ये मानना है कि उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो लड़ाई शाब्दिक लड़ाई रहेगी या फिर और दूसरे तरीके से? शाब्दिक क्यों लड़ाई ने? मतलब सड़क पर उतरा हूँ मैं, कोई शब्द आला थोड़ी हूँ यार, सड़क वाला हूँ मैं और सड़क से संघर्ष करके हमने बहुत से समाधान करवाए हैं, आगे भी करवाओगे। अब एक विशेष बात ये है कि आपके भाषा ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, लेकिन लहजा कहीं ना कहीं जो अकड़ू लहजा है वो चर्चा का विषय है। तो मैं क्या करूँ भाई, समय जैसा है, मैं भगवान ने जैसा बना दिया, भोलेनाथ ने बना दिया, मैं उसके लिए कोई सर्जरी थोड़ी कराऊँगा गले की, आगे भाई क्या नाम है, सर्जरी करा लूँ आगे भाई गले ने थोड़ा पतला करो, इसकी ऐसी आवाज़ करो, जैसे हैं जो हैं परफेक्ट कोई ना होता, और मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी जिसने भाई भाषा में समस्या अपना ट्रांसलेटर रख लो, मन के मतलब है। जिस तरीके से जो ज़मीन विवादित मामला था ज़मीन को लेकर, तो वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कतें आगे आ सकती हैं? दिक्कत ये समाधान रहे यार, फर्श अपने आप समाधान कर दिया रहे हो। अभी आपने प्रेस वार्ता में कहा कि हमने तो फरसे के बल पे वो ज़मीन, हाँ तो फरसे के बल पर ले रखी, इसमें क्या बात है, और कौन हो ऐसे कौन दे आज जोड़े तो कोई दे देगा, 100 गज के प्लॉट न ले ले, 16 किले में तो 200 करोड़ रुपये की कीमत के किले थे, कोई 2 लाख की चीज़ ने तो ले ले, हैं दे देगा कोई, कोई ना दे। अच्छा, बिना लाठी के चलेगा नहीं काम? ना लाठी, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें अपनाई जाती हैं, और कोई दूसरे का हक नहीं खा रहे, किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर रहे। अगर हम अपनी ज़मीन अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते तो ऐसे लोगों को मैं मुर्दा बोलता हूँ, और ऐसा कोई भी समाज है वो भी मुर्दा ही होता है अगर जो अपने हक के लिए ना लड़ सके। किसी दूसरे का हक मत छीनो, किसी दूसरे के हक पर अगर हाथ डालो हो तो पापी हो आप, लेकिन अगर आपका हक खाया जा रहा है आप चुप हो तो आप कायर हो, तो इसलिए कायर तो कौन है हम। वर्तमान जो समय चल रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि दूसरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है इस समय? हाँ बिल्कुल डाला जा रहा है, तो मैं तो सब का, मेरा तो इतना ही काम है भाई, मैं तो सब मैंने कह रहा हूँ सब जागरूक हो, सिस्टम और सरकारों से लड़ने की तो हिम्मत होनी चाहिए, और तरीके होते हैं, अपना लोकतांत्रिक देश है उसमें तरीके हैं, अपने तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, तो लड़ना चाहिए। सड़क पर जो उतरेगा, जो संघर्ष करेगा वो कुछ ले लेगा, नहीं तो अपने घर बैठे रहो, सोए जाओ, ऐसे जूते लागेंगे फिर तो। कई डिप्टी CM भी, मंत्री भी, विधायक भी जेलों में बंद कर दिए गए हैं, कई सारे केसेस भी चल रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया फिर, इन्हें चल आ रहे थे, क्या बात होगी इसमें, ये कोई बड़ी बात थोड़ी, जेल जाल में तो वो जाना ही पड़ा रहे, न्यायालय है ना, या तो उनको न्यायालय को न्यायालय है तो फिर न्यायालय है, नहीं है या तो उसको मानो मत, तो ये तो सब चलता है मेरे भाई, इसमें तो कोई इतनी कोई नहीं। तो आपके जमीन वाले मामले में भी न्यायालय, उसमें भी न्यायालय, तो न्यायालय है तो उसमें फिर न्यायालय का क्या कर लेगा जिसने जो करना होगा, हमने तो ले रखी है वह जमीन, इससे फरसे के दम पर ले रखी है, फरसे के दम पे ही चलेगा अब आगे आने वाला समय, आने वाला समय कि फरसे के दम पर चला गया, अगर कोई हक खाओगा तो फरसा ठावेंगे, और यू क्या चाहिए फिर, ये न्याय के प्रतीक है, भगवान परशुराम की पताका है, अन्याय के खिलाफ है, अगर आपको हक हाथ जोड़ के मिलता है तो बेस्ट है,
लेकिन अगर हाथ जोड़ के नहीं मिलता तो फिर सरकार के हाथ तोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, आप सरकार के हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, आगामी जो आपका कार्यक्रम है उसके लिए आपको लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे तो युवाओं में क्रेज है आपका, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे, न्योता आप देना चाहेंगे? मीणा साहब, न्योता है आपके सारे दर्शकों ने, 23 अप्रैल रविवार को पेरावर रोहतक सारे पहुँचो, सारे भाइयों के ऊपर 36 बरादरी का सबका न्योता है। भगवान किसी एक समाज या बरादरी के नहीं होते, न्याय के देवता भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और हेलीकॉप्टर तक फूल बरसवाओगे, भैया के ऊपर देसी घी का प्रसाद देंगे और जिसकी जो भी जिस तरह की शिकायत है उन शिकायतों का भी निवारण करवाओगे और एक एक ईंट लेके पहुँचियो सबकी भागीदारी से साझेदारी से भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की वहाँ उस दिन नींव रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा कर। थैंक यू जी। ये फरसे के दम पर आगे सरकार चलाई जाएगी, लोगों का भला किया जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है युवाओं की क्या सोच है, युवा किस तरफ अपना रुझान दिखाते हैं? और भी खास शख्सियत से आपके रूबरू कराते रहेंगे, कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।